मार्केट में एकदम लाल लाल ताजे टमाटर बहुत ही ज्यादा मिलने लग गए हैं और बहुत ही सस्ते भी मिलने लग गए हैं। तो आज हम इन्हीं टमाटरों से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी टमाटर की चटनी। इसे बनाकर आप हफ्ते 10 दिनों तक आराम से खा सकते हो। ये चटनी खाने में इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि आप इसे किसी भी स्टफ पराठे कचौरी पकौड़ी के साथ तो खा ही सकते हो, आप इसे चावल के साथ मिक्स करके टमाटो राइस की तरह भी सर्व कर सकते हो। ये खाने के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देती है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इस चटपटी सी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg पके हुए लाल टमाटर ले लिए हैं। ये देशी टमाटर हैं, इन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। तो इसमें से एक टमाटर हम निकाल लेते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 लीटर पानी मैंने गर्म होने रख दिया है। ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी उबाल आ जाए। और अब थोड़ी देर के बाद पानी में उबाल आने लग गया है, सारे टमाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पर साथ में ही इसमें मैंने 4 साबुत लाल मिर्च भी डाल दिया है। आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो मिर्च की मात्रा बढ़ा लें। इस तरह से टमाटरों को उबाल लेने से इनके ऊपर का छिलका आसानी से निकल जाएगा और चटनी पकने में भी कम टाइम लेगी। तो 5 मिनट तक उबलने के बाद आप देख सकते हो टमाटर का स्किन अलग होने लग गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। इन्हें मैंने स्ट्रेनर में निकाला है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। अब इन्हें ठंडा होने देंगे। इन्हें मैंने प्लेट में निकाल दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। चटनी में बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ले ली हैं। 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टुकड़ा चक्रफूल का, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी और 4 हरी इलायची। इसके साथ ही साथ 2 हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। 10 से 12 लहसुन की कलियों को भी बारीक काट कर ले लिया है। 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और 1 मीडियम साइज के प्याज को भी स्लाइस में काट कर लिया है। 1/4 कप काजू भी ले लिए हैं। इसकी जगह पर आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हो, इसे ऐड करना ऑप्शनल है। और अब ये ठंडे हो चुके हैं, मिर्च की डंडियाँ तोड़कर अलग कर देंगे और टमाटर के छिलके निकाल देते हैं। और अब छिलके निकलने के बाद इन्हें काट लेंगे। पकने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें मिक्सी की जार में डालकर पीस लेते हैं। ये थोड़े ज़्यादा हैं तो मैंने इन्हें 2 बार में पीस कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे साबुत लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार है। अब हम चटनी बना लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसमें 1/4 कप तेल डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून देशी घी भी डाल देंगे। इस चटनी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, देशी घी मिक्स करके बनाने से चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर आप अगर घी नहीं ऐड करना चाहते तो इसकी जगह पर ऑयल ही ऐड कर लें। और अब जैसे ही ये गर्म हुआ है इसमें जीरा और राई डाल देते हैं, 1 तेज़पत्ता, चक्रफूल, इलायची, दालचीनी और अब लास्ट में 2 दालें भी डाल देंगे। हींग भी डाल देते हैं। फ्लेम को लो कर लेंगे, सारी चीज़ों को एक बार भून लेते हैं। अब इसमें ग्रेटेड अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी डाल देंगे। काजू भी इसी स्टेज पर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। कुछ सेकेंड्स तक भूनने के बाद काजू का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, हमें इन्हें इसी स्टेज तक भूनना है। अब इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज भी डाल देंगे, भून लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस सौते ही करना है। तो इसे मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। इस चटनी में प्याज का बड़ा ही एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसमें हम पाउडर मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक भी मैंने इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर दिया है। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं, क्योंकि इस चटनी को हम हफ्ते 10 दिनों तक रख सकते हैं,
इसलिए धनिए की पत्तियों को इसी स्टेज पर ऐड करेंगे ताकि सारे मसालों के साथ ही ये भी अच्छी तरह से पक जाए। और अब कुछ सेकेंड्स तक भुनने के बाद सारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इनसे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो इस स्टेज पर इसमें हम टमाटर और मिर्च वाला पेस्ट जो हमने तैयार किया था डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला देंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम इसी तरह से खुला ही 5 मिनट तक पका लेंगे। और अब इसे मैंने 5 मिनट तक खुला ही पकने दिया है। इस स्टेज पर इसमें हम एक टमाटर जो स्टार्टिंग में हमने रखा था उसे ही काट कर डाल देंगे। हमने पहले भी नमक ऐड किया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। इस चटनी का कलर बढ़िया सा लाल निकल कर आए इसके लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। मिक्स करते हुए चला देते हैं। अगर आप इस चटनी को महीने भर तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसी स्टेज पर इसमें 1/4 कप ऑयल भी ऐड कर दें। जिस तरह से अचार को तेल में डालकर हम उसे लंबे समय तक स्टोर करते हैं, उसी तरह से इसमें भी ज्यादा ऑयल डालकर महीने भर तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है। उस कंडीशन में चटनी को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के बाद आप एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हो। अब ढककर इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने देते हैं। और अब 10 मिनट तक पकने के बाद ढक्कन खोलकर एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। चटनी अच्छी तरह से पक चुकी है। इस स्टेज पर इसमें हम जैगरी पाउडर ऐड कर देंगे। इसे ऐड करना ऑप्शनल है, इसकी जगह पर आप गुड़ या चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें मैंने 4 टीस्पून जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। चटनी का हल्का मीठा सा टेस्ट इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने देते हैं। और अब इसे मैंने 2 मिनट तक पका लिया है और अब हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया निकल कर आया है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसे सर्व कर लेते हैं। इस मजेदार सी चटनी को आप किसी भी भरवा पराठे, पूरी या कचौरी के साथ सर्व करें। आप इसे उबले हुए चावल के साथ भी मिक्स करके टमाटो राइस की तरह सर्व कर सकते हो। टमाटो राइस के लिए कढ़ाई में 3-4 बड़े चम्मच चटनी ले लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे भून लेते हैं। और अब इसमें मैंने 1 बाउल उबले हुए चावल डाल दिए हैं। इसे चटनी के साथ मिक्स कर लेते हैं। आप इस चटनी को फ्रिज में स्टोर करके रख लें। जब भी इस्तेमाल में लेना हो आप इसे इस तरह से चावल के साथ मिक्स करके या फिर किसी भी पराठे के साथ सर्व करें। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सा टमाटो राइस बनकर तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं। ये खाने में इतना स्वादिष्ट है कि इसके साथ किसी दूसरे चीज की जरूरत ही नहीं। आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। आज की ये मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप इस रेसिपी को कहाँ से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।